तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि सपोज करो एक पेंडुलम है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया नहीं, सपोज करो एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा था ऐसे, यू इज इक्वल टू जीरो छोड़ दिया, पेंडुलम नीचे 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 करते मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा विद सम वेलोसिटी, ऐसा ही होगा, तो पेंडुलम नीचे आ रहा है। अब वो कह रहा है कि जब पेंडुलम को रिलीज किया और जब उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया थीटा, तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या हो गया थीटा, शुरू में ये थीटा क्या था 90, जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा पेंडुलम तो थीटा जीरो, तो कभी ना कभी एट एनी सम इंस्टेंट ये एंगल क्या है थीटा, तो जब ये एंगल थीटा है तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, इस बॉब की एक्सेलरेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दो कि सपोज करो अगर ये आपका पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम लेट अस सपोज यहां पे आया हुआ है, ये रहा मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, जब पेंडुलम के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और सर्कुलर मोशन में होते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ये तो आपको समझ आएगी आ ही चुका है, तो इसका कोई वेट होगा, वो वेट कहाँ ऐड करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट के क्या बनेंगे कुछ कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, ऐसे करते हैं ना, ठीक, तो ये तो आपने सीख लिया होगा कि वेट क्या है एम जी, तो अगर ये थीटा तो ऑल्टरनेट से ये भी क्या थीटा, तो वर्टिकली ये क्या थीटा, तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं एम जी कॉस थीटा और इस तरफ एम जी साइन थीटा, क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मोशन की तरह ऐसे मूव करेगा, ये भी समझ में आ रहा है सबको। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कौन सी फोर्स इस पेंडुलम को मीन की तरफ लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा, मानते हो ये चीज, अच्छा कौन सी एक्सलरेशन इसको मीन की तरफ लेके आ रही है फोर्स को मास से डिवाइड, तो क्या आ गया जी साइन थीटा, तो इस बॉब के पास कितनी एक्सलरेशन है जी साइन थीटा और वो एक्सलरेशन कहाँ एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, नहीं कर रही टुवर्ड सेंटर, नहीं कर रही क्योंकि इसका सेंटर कहाँ मिलेगा यहां पे, तो क्या ये टुवर्ड सेंटर है नहीं, कैसी है टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल है ये, ठीक है मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना, मैं दोबारा बना देता हूँ कोई बात नहीं, पर है ये टेंजेंशियल ही है, ये लो मैं सर्कल थोड़ा ठीक तरह बना देता हूँ, तो ये टेंजेंशियल ही है ऐसे, एम जी साइन थीटा फोर्स हमेशा टेंजेंशियल रहती है, क्या है पॉइंट क्लियर, तो ये कौन सी एक्सलेशन है टेंजेंशियल, अरे टेंजेंशियल एक्सलेशन कब होती थी जब बॉडी की स्पीड चेंज होती थी और जब पेंडुलम नीचे उतरेगा तो स्पीड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पीड चेंज हो रही है, जब स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सी एक्सलेशन आ जाएगी टेंजेंशियल, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये कौन सी एक्सलेशन आ गई हमारे पास टेंजेंशियल, कोई डाउट इसमें, अच्छा क्या ये सर्कुलर में मूव कर रहा है बॉब, कर रहा है, तो क्या इसके पास सेंट्रीपिटल होगी, होगी सेंट्रीपिटल होगी, सेंट्रीपिटल कहां एड करेगी टुवर्ड्स सेंटर, तो ये एक और एक्सलेशन इसके पास होगी जिसका नाम क्या है सेंट्रिपिटल, तो एक हो गई टेंजेंशियल एक होगी सेंट्रिपिटल, अब जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बाय, इसकी लेंथ एल है वी स्क्वायर बाय एल, तो यानी कि जब ये बॉब सर्कुलर में मूव कर रहा है और क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है तो इसके पास दो एक्सलेशन हैं, एक एक्सलेशन टुवर्ड सेंटर है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और क्योंकि इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है तो एक एक्सलेशन क्या है इसमें टेंजेंशियल है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, उसने पूछा एक्सलेशन बताओ बस, इसका मतलब क्या निकालनी है नेट एक्सलेशन, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है 90, तो नेट एक्सलेशन क्या आएगी अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये फोर्स देख रहे हो एम जी साइन थीटा, तो ये टेंजेंट है क्योंकि सर्कल ऐसा बनेगा तो सर्कल के साथ ये टेंजेंट बनेगा और वैसे भी इस तरफ की एक्सलेशन सेंट्रीपिटल तो हो नहीं सकती ना, और एक्सलेशन दो ही होती हैं या तो सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल, तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल है, क्लियर है यहां तक, तो मेरे पास इस क्वेश्चन में कम से कम सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला मुझे पता है क्या वी स्क्वायर बाय एल, और टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या है जी साइन थीटा का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, अभी प्रॉब्लम है अपने को ना यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी उसने, देखो मैंने कहा था ना सर्कुलर इतना आसान कैसे है,
वी तो मैंने अपने मन से ले लिया, हमें तो यू पता है, यू जीरो है, अपने को तो ये पता है कि जब ये चला था पेंडुलम तो यू क्या है, जीरो। अब इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन और एक वेलोसिटी सर्कल में गिवन है, दूसरी मुझे निकालनी है। क्या मन में विचार आ रहे हैं, कैसे निकाल लें? एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है प्रैक्टिस से कैसे चीज़ें पता लगती हैं? तो कभी भी पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, एक वेलोसिटी पता हो, दूसरी निकालनी हो रास्ते में, तो एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है यहाँ तक? बाकी सारी सिचुएशन क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं वेलोसिटी अगर निकाल दूँ, उस वेलोसिटी को मैं यहाँ पुट करूँगा, तो तब मेरे पास फाइनल आंसर आएगा फाइनल एक्सेलरेशन का। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर आप चेक करो इस शीट में, सबसे पहला काम ही मैंने ये किया, यहाँ पर क्या निकाली मैंने, वेलोसिटी वी निकाल ली। तो सबसे पहला काम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालने के लिए काम करते हैं, ये ग्राउंड ले लेते हैं, ग्राउंड, ग्राउंड मेरी मर्जी, जहाँ मैंने जो मेरा लोएस्ट पॉइंट होगा ग्राउंड मान लेते हैं। तो वन पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, टू पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रखें, सेम। चलो स्टार्ट करते हैं, वन पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, टू पॉइंट पर पोटेंशियल काइनेटिक सेम। तो मुझे आंसर दें कि अगर सपोज करो ये मेरा ग्राउंड है, इमेजिन करो ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड से ये, क्योंकि ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, एल कॉस थीटा, अपने को तो हाइट चाहिए ना ये वाली, तो हाइट क्या बनेगी, एम जी इंटू एच की जगह एल कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? और काइनेटिक यहाँ पर क्या रहेगी, जीरो। तो यही किया हमने, एम जी इंटू एल कॉस थीटा प्लस जीरो। लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, और काइनेटिक यहाँ पर क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप क्लियर है? तो मैंने इन्हें इक्वेट किया, m से m मेरा कैंसिल हो गया, 2 इधर चला गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 gl cos थीटा। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, और मेरे को तो पता ही है नेट आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर, और नेट आंसर में ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई एल। वी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी, एल से एल कैंसिल करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो ये कौन सी एक्सलेशन आएगी, सेंटीपेटल। क्या स्टेप क्लियर है, सेंटीपेटल। और टेंजेंशियल में एम जी साइन थीटा टेंजेंशियल फोर्स है, को मास से डिवाइड किया तो क्या आ गया, टेंजेंशियल। तो आपके पास ये क्या आ गया, सेंटीपेटल, ये क्या आ गया, टेंजेंशियल, इसका वेक्टर सम ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आंसर समझ में आया कैसे सोच रहे हैं, नॉट फॉर एन सी आर टी, लिख लो, नॉट फॉर एन सी आर टी नहीं आएगा, ऑब्वियसली एन सी आर टी में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, वो तो बैंकिंग बुंकिंग भी पूछते हैं जो पूछना है, पर समझ में आ रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, भरे पड़े हैं पेंडुलम के। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, पेंडुलम का क्वेश्चन से एकदम क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, क्या प्रॉब्लम है, शाफ्ट ऑफ द मोटर रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कोई शाफ्ट है वो एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 3000 आरपीएम। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या, सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, ओमेगा
ओमेगा, तो ये टर्म क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी क्या गिवन है, ओमेगा होनी चाहिए थी ओमेगा, पर है नहीं ओमेगा, वो नाम बोलता है एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे मन में आया ओमेगा, तो मैंने सोचा ओमेगा, पर पीछे जब मैं यूनिट्स पढ़ता हूँ तो लिखता है आरपीएम, अब आरपीएम आरपीएस जो यूनिट है वो किसके हैं, फ्रीक्वेंसी, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि नाम बोलता है एंगुलर वेलोसिटी और यूनिट्स किसके लिखता है, फ्रीक्वेंसी के, मैं क्या लूँ, आपने यूनिट्स के हिसाब से चलना है, उसको बोलने दो जो बोलता है, इस चैप्टर की कॉमन प्रॉब्लम है, कभी फ्रीक्वेंसी बोल देगा कभी वेलोसिटी बोल देगा, आपने कोई टेंशन नहीं, आप यूनिट्स से पहचानोगे, अगर लिखा हुआ है रेडियंस पर सेकेंड पक्का ओमेगा, अगर आरपीएम या आरपीएस या रेवोल्यूशंस पर मिनट रेवोल्यूशंस पर सेकेंड तो पक्का फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 3000 आरपीएम पर मिनट का मतलब डिनोमिनेटर में मिनट है, तो इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो डिनोमिनेटर को 60 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया आरपीएस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, आरपीएस, फ्रीक्वेंसी इसलिए करते हैं ताकि ओमेगा आ जाए, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकेंड, क्लियर है यहां तक, ओमेगा आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ घूम रही है कोई शाफ्ट, कॉन्स्टेंट ओमेगा तेज नहीं कर रही स्पीड, और कितनी देर, वो कह रहे हैं रेडियंस इट हैज कवर्ड, रेडियंस कवर्ड का मतलब, रेडियंस का मतलब क्या पूछ रहा है, एंगल, रेडियंस का मतलब क्या पूछ रहा है, एंगल, एंगल क्या मतलब थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आपको थीटा बताना है कब, जब टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब अगर ये बॉडी, अगर ये क्वेश्चन सिंपल मोशन का क्वेश्चन होता, लीनियर मोशन का, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी थी, एस इज इक्वल टू वी टी, राइट, तो एस इक्वल टू वी टी की जगह, अब क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, टाइम की जगह टाइम, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है ओमेगा कांस्टेंट है, अब क्या अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्लियर है यहाँ तक, तो इक्वेशन समझ में आ गई, थीटा ओमेगा टी, ये रही आपको थीटा निकालना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई और टाइम कितना है 1, आंसर इतने रेडियस इज द आंसर। अब मैं यही तो कह रहा था, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कभी हॉरिजॉन्टल सर्कल कभी वर्टिकल सर्कल, कभी क्या शाफ्ट घुमा दो, ये स्विच ऑन ऑफ करने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया था क्या, नहीं किया, अच्छा ठीक है, एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन नहीं है, एक ब्लॉक को मैंने रिलीज करना है, आप बताएं कितनी हाइट से रिलीज करूं, हाइट बताएं, ताकि जब ये स्लाइड करता हुआ यहां आए तो ये एक चक्कर पूरा कर जाए, कम से कम एक चक्कर पूरा कर जाए, अब जब कम से कम एक वर्टिकल सर्कल पूरा कर जाए कम से कम, तो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 आरजी, किया था लास्ट टाइम, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 5 आरजी, ठीक है यहाँ तक। तो हम एक काम करते हैं, जब पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है तो आप सिंपल एक काम करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो वन पॉइंट पर जहां से चला ये ब्लॉक और लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वल करते हैं, तो ये बताएं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, mgh, और यहां से रिलीज किया इसे तो इसकी काइनेटिक क्या है, 0, लोएस्ट पॉइंट पर 2 नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गई, 0, काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी कम से कम क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 आरजी, ताकि हमें चाहिए कि सर्कल कंप्लीट करे, तो हमने लास्ट टाइम किया था वेलोसिटी क्या होगी, रूट 5 आरजी, तो यहां से रूट और स्क्वायर कैंसिल, एम से एम और एम यहां से कैंसिल, सॉल्व करके क्या जाएगा, एच इज इक्वल टू 2.5 आर, यह आंसर आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। आपको आइडिया समझ में आ गया कि जब ये बॉडी यहां से यहां चलेगी तो कैसे करना है, अब देखो ना ये क्या प्रॉब्लम है, हमारा ध्यान जाता है फोर्सेस पे, कैसे mg बनेगा, अब ये क्या लगा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, अब पता कैसे लगेगा, किसमें क्या लगेगा, प्रैक्टिस, आज ये आपने ट्रैक वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये 2 बार और आएगा आज असाइनमेंट के अंदर, देखना जब ये ट्रैक वाला क्वेश्चन देखोगे एकदम बोलोगे एनर्जी कंजर्वेशन, ये प्रैक्टिस है, आपको चीज़ों को देखना आ जाएगा जब बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। कार रोटेट्स, एक कार घूम रही है, कार का व्हील, सॉरी रोटेट्स, कार का व्हील रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, ये पढ़ते माइंड में क्या आता है, व्हील कैसे घूम रहा होगा, कांस्टेंट ओमेगा के साथ, नहीं अल्फा, एक्सेलरेशन होती है अल्फा, तो कार का व्हील पहले स्लो, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, ओमेगा यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इसमें अल्फा गिवन है,
भाई एक्सलेशन कब होती है, जब स्पीड बढ़ती है, और सर्कुलर मोशन में स्पीड को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, कोई डाउट इसमें, तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर अल्फा गिवन है, और ये व्हील रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहा है कि थीटा वन एंगल कवर हुआ फर्स्ट 2 सेकेंड में, और थीटा टू कवर हुआ इन नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो एंगल पहले कितना कवर हुआ, थीटा वन, फिर 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में और एंगल कवर हुआ थीटा टू। आपको रेशियो निकालनी है दोनों एंगल्स की। तो आपने सिंपली एक काम करना है, आप अप्लाई करें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते थे। तो पहली इक्वेशन एंगल कितना कवर हुआ, थीटा वन, जब ओमेगा क्या था जीरो, हाफ इंटू अल्फा इंटू टाइम टेकन कितना है 2 सेकेंड। इक्वेशन में वन क्लियर है। फिर केस नंबर टू, अगले 2 सेकेंड में थीटा टू एंगल कवर किया, तो शुरू से कितना एंगल कवर हुआ, थीटा वन थीटा। शुरू से इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि शुरू से ओमेगा नॉट क्या रहता है जीरो, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हाफ इंटू अल्फा इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम टेकन शुरू से कितना हो गया अब 4 सेकेंड। तो अगर आप इसे टू इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दें, 2 और 1 को, तो ये रेशियो आ गई, अल्फा अल्फा हाफ हाफ कैंसिल, इन्हें डिवाइड करके 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, थीटा 1 बाई थीटा 1 1 होता है, थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से थीटा 2 बाई थीटा 1 कितना आ गया 3। तो एंगल्स की रेशियो आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, क्या हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठीक है यहाँ तक। आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑब्जेक्टिव शीट में ये क्वेश्चन आएगा, मैं उस टाइम ही करवाऊंगा, बोल दूंगा अभी हमने कर लिया था, तो इसलिए मुझे करवाना है, ठीक। देखो क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके का है। क्वेश्चन ऐसा है, एक रॉड है, एक रॉड सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। इस फिगर को देखते हुए कितने लोग बोलते हैं कि रॉड की स्पीड कॉन्स्टेंट है, और कितने बोलते हैं कि रॉड अपनी स्पीड बढ़ा रही है, बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही, बढ़ा रही है। कैसे देखा आपने, अल्फा को देखा आपने, ये देखो ऊपर क्या लगा हुआ है, अल्फा। और अगर यहां अल्फा की जगह सिर्फ ओमेगा लगा होता, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। समझ में आ गया यहां तक, तो अब कुछ चीजें नजर पकड़ रहे हो कि हाँ, कि अगर अल्फा गिवन है तो स्पीड बढ़ेगी, राइट, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। कह रहे एक बीड है, एक बीड है, जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, और ये एक बीड है ऐसे, तो ये सर्कल में घूम रही है रॉड, हाँ इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे ऐसे जा रही है, लेकिन रॉड में वो कह रहे फ्रिक्शन है तो आसानी, और टाइट है बीड तो इसलिए जल्दी जल्दी हिल नहीं पा रहा। तो ये बीड है, बीच में फंसा हुआ है, और इसमें कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं, वेट वूट नहीं लेना चाहता आपने, ठीक हो गया यहाँ तक। तो कह रहे हैं कि इसमें रॉड ने घूमना शुरू किया, घूमना शुरू करना मतलब क्या होता है, पहले स्लो, रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी, स्लो, तेज 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 स्टार्ट हुई। तो कह रहे हैं ये बताओ टाइम टी, समय बताओ कब बीड ने स्टार्ट स्लिपिंग, बीड हिलना शुरू हो गया। हाँ आपको क्या, बीड हिलना शुरू हो गया, अच्छा बोला तो पड़ा हुआ था, पहले क्यों नहीं हिला, अब क्यों हिल रहा है, क्योंकि रॉड जब घूम रही है सर्कल में, रॉड के पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल। इसके ऊपर जो भी सामान रखोगे उसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो सेंट्रीफ्यूगल, उठा के बाहर पटकेगा, ऐसे ही है। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम सेंटर। तो इसका मास अगर एम है और ये एल डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर। मान लो ओमेगा वो वेलोसिटी आ चुकी है, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी बीड, ये रॉड, ओमेगा वो वेलोसिटी है जो बीड ने हिलना स्टार्ट कर दिया। तो बीड को बाहर कौन फेंकेगा, कौन सी फोर्स फेंकेगी, एम एल ओमेगा स्क्वायर। कौन बचाएगा बाहर जाने से, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैंट करेगी टुवर्ड्स सेंटर, सही है। तो जब तक फ्रिक्शन बड़ी है इससे बीड नहीं हिलेगा, पर जैसे ये बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी क्यों होगी, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी इतना बड़ा ओमेगा हो जाएगा कि एम एल ओमेगा स्क्वायर बढ़ गया। तो अगर एम एल ओमेगा स्क्वायर बढ़ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो बीड खिसक जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहली क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। तो यानी कि अगर बीड हिलेगा, अगर बीड हिलेगा तो एम एल ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की।
तो देखो, तो वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है जी भीड़ का वेट तो ग्रेविटी ने निगलेक्ट की, वेट तो है ही नहीं, वेट तो नहीं है तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ से आ गया। देखो इमेजिन करो कि मैं सपोज एक रॉड है और सपोज मैं एक सुपरमैन हूँ, रॉड ये पड़ी हुई है और मैं हवा में लटक गया, लटका हुआ हवा में यार। अब जादू से क्या हुआ, रॉड बहुत तेज मूव करनी शुरू होगी हवा में, तो क्या मैं ऐसे ही लटकता हुआ हवा में जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर बहुत तेज मूव करूंगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगी, ऐसे उड़ूंगा और कैसे उड़ूंगा, ऐसे तो नहीं उड़ूंगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, ऐसे होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि मेरा हाथ पे जो रॉड है, क्योंकि रॉड आगे जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, और मेरे ऊपर क्या लगा रही है, सूडो फोर्स। भाई मैं तो पीछे की तरफ जाऊंगा ना, पीछे जाऊंगा, जितनी तेज रॉड आगे मूव करेगी तो मेरे ऊपर फोर्स उतनी पीछे लगेगी, और हो सकता है इतनी तेज रॉड मूव करे कि मेरा हाथ छूट जाए तो मैं पीछे गिर जाऊंगा। पर अगर रॉड नहीं छूटती तो मेरे हाथ इस रॉड पे बहुत जबरदस्त क्या लगा रहे हैं, फोर्स 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 ऐसे, क्योंकि रॉड आगे खींच रही है और मैं पीछे इसको पकड़ के रखा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक। अब ये बीड जो है, ये सुपरमैन का हाथ है, ये रहा, ये इसकी जगह ये है। अब ये तो लटक रहा है नीचे, लेकिन जब रॉड बहुत आगे जाएगी, तेज मूव करेगी, तो ये बीड ऐसे हो जाएगा, जैसे मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल हो गया था हवा में, तो बीड लटकेगा थोड़ी ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे का मतलब पीछे की तरफ जोर लगाएगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि रॉड आगे जा रही है, बीड पीछे किसी की कोशिश कर रहा है मेरी तरफ, पर वो बेचारा क्या करे, फंसा हुआ है। तो इस बीड पे हाथ, ये मेरा बीड, ये बीड ले लो, ऐसे फंसा हुआ है, तो रॉड कैसे दिखेगी? अगर रॉड आगे जा रही है तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इमेजिन करो ये रॉड बोर्ड के अंदर जा रही है, ये रॉड बोर्ड के अंदर जा रही है, और जब ये रॉड बोर्ड के अंदर जा रही है तो क्योंकि ये स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो इसकी कोई टेंजेंशियल एक्सलेशन होगी जिससे ये आगे जा रही है, तो रॉड की टेंजेंशियल एक्सलेशन है। तो बीड पे क्या लगेगी पीछे की तरफ, सूडो फोर्स। कितनी लगेगी? एम इंटू ए टी। ए टी क्या है अभी बताता हूँ, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो ये बीड पे क्या लगी? सूडो फोर्स। अब इमेजिन करो कि जैसे ये रॉड है, ये रॉड अंदर जा रही है, तो बीड के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे लगेगी। कितनी? रॉड की अगर एक्सलेशन ए टी है, ए टी क्यों लिया? क्योंकि रॉड की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ए तो रहेगा ही रहेगा उसमें, तो ए टी है, तो सूडो फोर्स कितनी है? एम इंटू ए टी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे मेरा हाथ इसके ऊपर एम इंटू ए टी ये फोर्स लगाता है, तो ये मेरे हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो नॉर्मल, अगर मेरे ऊपर सूडो फोर्स बीड के ऊपर एम इंटू ए टी पीछे लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन बदले में आगे लगेगा। तो ये बोर्ड के ऊपर नहीं है, बोर्ड के अंदर है, तो एन किसके इक्वल है? एम टाइम्स ए टी। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर ये रॉड आगे मूव करती है तो सूडो फोर्स पीछे एक्ट करती है बीड के ऊपर, बीड जोर लगाता है इस रॉड पे, तो रॉड इसके ऊपर क्या लगाती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर रॉड आगे जा रही है ए टी के साथ, तो बीड के ऊपर एम इंटू ए टी, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बीड पे क्या लगेगा? एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ए टी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वेट नहीं लगा रहा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एम इंटू ए टी लगा रहा है, सूडो फोर्स की वजह से लग रही है। अब कोई कहता है सूडो फोर्स, यहां तो दो दो सूडो फोर्स लग रही है, एग्री कर रहे हो? सूडो फोर्स दो है यहां पर, कैसे? क्योंकि जब रॉड घूम रही है तो वो सर्कल में है, तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी है, और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कैट करती है टुवर्ड्स सेंटर, तो सूडो फोर्स कहाँ है? अवे फ्रॉम, जिसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल होती तो सूडो है ना, तो एक सूडो फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? अवे फ्रॉम सेंटर। और क्योंकि रॉड के पास एक और एक्सलेशन है ए टी, तो जिस वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी? एक और सूडो फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर दो दो सूडो फोर्सेस हैं, एक उसको बाहर लेके जा रही है और एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है। समझ में आ रहा है यार? दोनों के दोनों सूडो फोर्सेस हैं, ठीक यहाँ तक। अब एक रिजल्ट याद रख लो, हमने किया नहीं, नोट कर लो कहीं पर, वो क्या? हमने सीखा कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसका वी क्या होता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी और ओमेगा का रिलेशन है। और अगर मैं इसे दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड करूं, एक बात बताओ, ये वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन में कैसी पाई जाती है? टेंजेंशियल। तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करूं तो कौन सी एक्सलेशन आ जाएगी? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगी? ए इज इक्वल टू एल्फा, क्योंकि ओमेगा बाई टी क्या होता है? एल्फा। तो एक रिजल्ट याद करो, इंपॉर्टेंट है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा,
और ए इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, ये भी टेंजेंशियल है और ये भी टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने का क्या तरीका है, आर टाइम्स एल्फा, आर इंटू एल्फा, फॉर्मूला नोट करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। अब इसमें कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अगर बाय चांस ये रॉड स्पीड इंक्रीज ना करती, कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूमती, तो सबसे पहले अल्फा क्या होता, जीरो, अल्फा जीरो था तो एटी भी क्या होता, ना एटी होगा ना अल्फा होगा, इसमें रिंग के ऊपर सूडो नहीं लगेगी, रेस्ट पे रहेगा वो। हाँ, फिर ये मूव कर सकती है, नॉर्मल रिएक्शन हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ तक फ्रिक्शन तो लगनी बंद ही हो जाएगी ना, फिर मूव कर सकती है, राइट मूव करेगी पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो है फिर तो। ठीक, आगे देखो, तब इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम इंटू ए टी, ए टी क्या है, एल एल्फा, एल एल्फा का मतलब ये बीड कितने रेडियस में घूम रहा है, एल, तो आप बीड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बीड का रेडियस एल है तो एल एल्फा, क्लियर है नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो आ गया नॉर्मल फ्रिक्शन आ गई। अब कंडीशन क्या थी, एम एल ओमेगा स्क्वायर जब बड़ा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो बीड खिसक जाएगा, क्लियर है। अब प्रॉब्लम तो ये है, हमें ओमेगा तो निकालना ही नहीं, हमें तो क्या निकालना है, समय निकालना है कब जाए, तो समय की बात भी कर लेते हैं। तो मान लो ओमेगा वो वेलोसिटी है जब बीड हिलेगा, तो ये कंडीशन ट्रू है, नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम एल एल्फा, एम एल एम एल कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एल्फा, क्लियर है। अब ओमेगा वो वेलोसिटी है जब बीड ने हिलना स्टार्ट किया, तो रॉड शुरू में इनिशियल वेलोसिटी रॉड की क्या थी, जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा। मान लो टी वो टाइम है जब ओमेगा वेलोसिटी अटेन हो गई और जब बीड ने खिसकना स्टार्ट किया, तो ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, एल्फा टी, ओमेगा की जगह एल्फा टी, ठीक है, ओमेगा क्योंकि बीड रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और अब इसकी स्पीड ओमेगा हो चुकी है टाइम टी के बाद, और टाइम टी निकालना है, तो यहां पर आप पुट करें अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा अल्फा कैंसल, टी स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू बाय अल्फा, टी की वैल्यू आ गई, तो आपको मिनिमम टाइम निकालना है, तो टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा इज द आंसर, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम कर लिया, ये सब कर लिया, ये भी कर लिया, ये सब हो गया हमारा, ओके। एक ये क्वेश्चन इसको बाद में देखना है, और एक ये क्वेश्चन भी बाद में देखना है, अभी नहीं देखना, टफ क्वेश्चन आएंगे, शक्ल से लग रहे हैं, ठीक, इसको बाद में देखते हैं।